खबर रीवा जिले से है, जहां चैन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें दो घटनाएं सामने आई। उसमें से पहले दिनांक 19/4/2024 को पीड़िता उषा पांडे, पति स्वर्गीय इंद्रमणि प्रसाद पांडे, उम्र 65 वर्ष, निवासी बोदावा गरीबा, दोपहर बाजार से अपने घर लौट रहे थे, तो पीछे तरफ से एक स्कूटी सवार दो अज्ञात बदमाश आए और इसके गले से सोने की चैन को झपट्टा मारकर छीनकर भाग गए। रिपोर्ट आधार पर जहां अपराध क्रमांक 122/24 धारा 356 379 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उपरोक्त घटना के उपरांत सूचना मिलते ही स्वयं पुलिस ने बदमाशों की नाकेबंदी की और अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में भेजा गया। इस घटना में सीसीटीवी सेंटर एवं साइबर सेल रीवा का सहयोग लिया गया, जिसमें जानकारी हुई कि बदमाश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी लगातार पुलिस निगरानी कर रही थी एवं मुखबिरों को तैनात किया गया। तभी बदमाश रीवा में दिनांक 5/7/2024 को पीड़िता सीमा सिंह आनंदपुर रीवा के वहां आकर वारदात किए। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 304 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार तीसरी घटना में दिनांक 7/8/2024 को पीड़िता शकुंतला त्रिपाठी, निवासी पिपरी टोला थाना लौर जिला मऊगंज हाल मुकाम अरुण नगर रीवा के साथ पुनः पीछा कर सोने की जंजीर झपटकर चोर बदमाश ले गए। उसको उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी, जिनका पर्दाफाश किया गया है। क्या ये एक ही है या फिर अलग है? नहीं, ये दूसरे तरह का क्राइम है। इनका अपराध करने का तरीका दूसरा है। ये बहुत फीरियस किस्म के क्रिमिनल हैं। वहाँ पे इनकी जो है मारपीट और जो है गंभीर किस्म के अपराध जो है कायम हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अनेक बार ये जेल भी गए हैं। ये हार्ड कोर क्रिमिनल हैं। इनसे भी बड़ी मुश्किल से ही जो है इस वारदात के बारे में इनने बताया है। लगातार इनसे व्यावसायिक दक्षता का प्रयोग करके अन्य मामले भी निकालने का प्रयास पुलिस कर रही है। लोकल भी कुछ इनके सदस्य ये पूरा इकट्ठे होकर के आते थे। इनने क्या एक दो घटना की, उसके बाद इनको लगा कि ये साफ टारगेट है यहाँ पे, तो ये पहले आके रैकी कर जाते हैं और फिर रैकी करने के बाद लोगों को टारगेट बना करके और फिर उसको चैन खींच करके भाग जाते हैं। इनके साथ आउटर पे कुछ लड़के और रहते हैं जो गाड़ी में रहते हैं, ताकि जब लोग बताएं कि इस हुलिये का व्यक्ति भागा है और इस गाड़ी में भागा है, तो ये गाड़ी चेंज कर लेते हैं, अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं, दो की जगह तीन मकर बैठे हैं तो दो हो जाते हैं, ताकि लोगों को और पुलिस को चकमा दे के ही भाग जाए। राजी चैन स्नैचिंग वाला एक गैंग पकड़ा है, जिसमें चार सदस्य हैं उसके। परसों इनको जो है चार घाट के पास से पकड़ा गया है और पूछताछ पर इनसे सामान और विश्वविद्यालय थाने के जो अंतर्गत लूटें हुई थी उनके बारे में इनने कबूल किया। तीन मामले जो है अपने विश्वविद्यालय थाने के दिनांक 19/4/24 को श्रीमती उषा पांडे हैं, ये इनसे इनने चैन स्नैचिंग की थी। इसी तरह 5/7/24 में ये सीमा सिंह थी, इनके साथ भी इनने चैन स्नैचिंग की थी। और तीसरी घटना जो है 7/8 को हुई है, इसी माह 7 तारीख को उनने शकुंतला त्रिपाठी मैडम है, इनके चैन को जो है झपट्टा मार करके छीन लिए गए। ये तीनों घटनाओं के बाद जो है पुलिस लगातार जो है इनके हुलियों को ले करके तलाश कर रही थी। सूत्र लगाए गए थे, लगातार तीन टीमें जो है इसमें वर्क कर रही थी, जिसमें विश्वविद्यालय थाना समान थाना प्रभारी जो है उनकी अलग अलग टीम थी और साइबर की टीम अलग से लगी हुई थी। ये तीन टीमों ने लगातार मेहनत किया और उनके फुटेज को डेवलप करके अपने सूत्रों के साथ मिलाया, तब ये पता चला कि ये लोग प्रयागराज की तरफ से आते हैं और रैकी करके अपराध करके भाग जाते हैं। इनके साथ तीन चार लड़के आते हैं, दो की गैंग में स्कूटी में ये रह करके और वारदात करते हैं, और फिर आगे इनके साथ और लोग मिलते हैं जो अपना भेष भूषा बदल करके ये भाग जाते हैं।
पुलिस जो है सूत्रों की सूचना के आधार पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरी टीम इकट्ठी की गई थी और ये जानकारी थी कि आज ये लोग आ रहे हैं। इस घटना में परसों चाक घाट से लेकर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे आने की संभावना थी वहाँ पे पुलिस की टीम लगी हुई थी। चाक घाट में ये परसों पकड़े गए, जिसमें ये जो अपराधी है अजय कुमार भारती, ये प्रयागराज का रहने वाला है, मुट्ठीगंज प्रयागराज का, और एक ऋषभ केसरवानी, ये भी बघाड़ा का रहने वाला है प्रयागराज जिले का, और तीसरा आरोपी जो है शुभम यादव, इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ के जब पूछताछ की गई तो इलाहाबाद जो है अपना प्रयागराज है वहाँ पे राहुल कनौजिया करके लड़का मिला जो इनके सामान को गलाने में और बेचने में मदद करता था, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें एक अनिल की भी तलाश है जो इनका एक खास सदस्य है जो इस तरह अपराध करता है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया गया कि ये किस तरह के अपराधी हैं, तो कर्नलगंज और अन्य थानों में इनके बहुत से मुकदमे कायम हैं, जिसमें मारपीट है, 307 के मुकदमे कायम हैं, लूट के मुकदमे कायम हैं और छेड़छाड़ के मुकदमे कायम हैं। इनकी गैंग हिस्ट्री शीट भी बनी हुई है अपराध करने के लिए वहाँ पर, और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कल इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया था। इसमें समान थाने की भी घटनाओं को जो घटित हुई हैं उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनकी संलिप्तता है, ये पूछताछ पर जानकारी हुई है, इसलिए इनका रिमांड भी लिया गया है। आगे इनसे और पूछताछ करने के कई मामले निकलने की संभावना है। इनके बताए हुए कब्जे से एक स्कूटी गाड़ी जो है जब्त की गई है, और सोने का जो आभूषण है, दो प्रकरणों में सोने का आभूषण, एक चैन मिली है इनसे और एक गला हुआ सोना है जिसका वजन जो है 16 ग्राम के आसपास का है। इन जब्त किए गए सोनों की कीमत जो है 2 लाख के आसपास की है, और एक स्कूटी गाड़ी भी जब्त है तो लगभग 40,000 उसकी कीमत है। इनके कब्जे से जब्त किया गया है, अभी पुलिस के अभिरक्षा में है, पुलिस रिमांड में है, इनसे पूछताछ करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक पुलिस ऑलरेडी रीवा की जो है प्रयागराज में है और वो लगातार जो है वहाँ पे जो शेष बदमाश है उसकी तलाश में लगी हुई है, और शीघ्र ही उसको पकड़ा जाएगा, जिससे अन्य मामलों की भी मसलूका बरामद किया जाएगा। सर, ये ATM कार्ड के सामान थाने में अलग अलग नहीं, ये दूसरे तरह का क्राइम है, इनका अपराध करने का तरीका दूसरा है, ये बहुत क्रीमियस किस्म के क्रिमिनल है। वहाँ पे इनकी जो है मारपीट और जो है गंभीर किस्म के अपराध जो है कायम है, और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अनेक बार ये जेल भी गए हैं। ये हार्डकोर क्रिमिनल है, इनसे भी बड़ी मुश्किल से ही जो है इस वारदात के बारे में इन्हें बताया है। लगातार इनसे व्यावसायिक दक्षता का प्रयोग करके अन्य मामले भी निकालने का प्रयास पुलिस कर रहे हैं। लोकल भी कुछ इनके सदस्य ये पूरा इकट्ठे होकर के आते थे, इनमें क्या एक दो घटना की, उसके बाद इनको लगा कि ये साफ टारगेट है यहाँ पर, तो ये पहले आके रैकी कर जाते हैं, और फिर रैकी करने के बाद लोगों को टारगेट बना करके और फिर उसको चैन खींच करके भाग जाते हैं। इनके साथ आउटर में कुछ लड़के और रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं, ताकि जब लोग बताएं कि इस हुलिये का व्यक्ति भागा है और इस गाड़ी में भागा है, तो ये गाड़ी चेंज कर लेते हैं, अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं, 2 की जगह 3 मकर बैठे हैं तो 2 हो जाते हैं, ताकि लोगों को और पुलिस को चकमा दे के लिए भागा। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लॉटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है
0979-036-20, 0096-2020, 0096-4680-808.